थिएटर इज अ ग्रुप आर्ट, आप अकेले तो नहीं चुनते, सारा ग्रुप उस दिन एक जो थिएटर ग्रुप होता था आपस में डिसाइड करता था, और हमेशा कोई चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होती, चीज़ वही चलती है जो एक आदमी डिसीजन ले सके, और हर ग्रुप में या हर कंट्री में हर जगह एक आदमी डिसीजन लेने वाला चाहिए, तभी चलती है। तो ऐसे ही वो चुनने उनने का सवाल, कुछ एक थिंक टैंक होता है, वो उनको अच्छा लगता है, वो बनाते हैं, प्ले आता है, सब गप यार फलां लिखा गया है, फलां चलो करें। वो साल में एक या दो प्रोडक्शन होती थी, ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, पैसा ही नहीं होता था करने के लिए। थिएटर देखिए कभी भी उस ढंग का नहीं करेंगे, अभी भी अगर मुझे कॉमेडी कमर्शियल करनी पड़ी यहाँ पर भी, जैसे गुजराती चलता है, जैसे वेरी पॉपुलर थिएटर गुजराती, मगर मैं देखने गया दो तीन बार, मैं उससे फिल्म देखना पसंद करूँगा। जब थिएटर करना है तो मुझे कुछ दूसरी तरह की सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ तो एक मेरे हमारे इंटेलेक्ट लेवल पे कहीं कुछ तो हो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्ले करें जो लोगों के सर से गुजर जाए। तो अभी मुझे नहीं मालूम क्या कंडीशन है, पर कई बार लगता है कि अरे लोग ऑडियंस आनी शुरू हो गई है, पर मैंने देखा है कि एक्टर का नाम होता है जब फिल्मों में आप बन लीजिए तो फिर ऑडियंस आती है उसको देखने। मैं सॉरी टू से मगर अभी भी ऐसी ऑडियंस नहीं बनी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हम लोग पंजाब नॉर्थ के इंडियन हैं, नॉर्थ में तो कल्चर को वल्चर ही समझा जाता है, वो क्या कहते हैं टोला, एक कंजरान हो गया, कंजरों का टोला एंटरटेन करने वाले। थिएटर से कहाँ हमारे यहाँ ताल्लुक रखता है कोई, अभी शायद कुछ बड़ा हो, मिडिल क्लास बढ़ रही है जैसे जैसे, थोड़े सा पढ़ने का शौक भी बढ़ रहा है। जैसे बंगाल और महाराष्ट्र में थिएटर की एक चलन था, एक बंगाली अभी भी पूजा के दिन या कोई हर महीने कोई किताब पढ़ेगा, कोई मैगजीन खरीद के लाएगा। पंजाबी को आप कहिए कोई किताब बुक दीजिए तो वो कहेगा ओ यार उनके घर तो बहुत किताबें हैं, जोक है ना कि यार किताब प्रेजेंट कर देते हो उन्होंने घर तो बढ़िया किताब मन है वोटी गांधी। ये पंजाबी का हमारे माना, आप नहीं कि पंजाबी इतने अच्छे राइटर वगैरह सब कुछ हुए हैं, वैसे एक एटीट्यूड ऑफ द टोटल एक रेस का ये बनता है ना। जैसे महाराष्ट्र में पढ़ने लिखने का शौक है, थिएटर इसीलिए यहाँ बन पा। नहीं देखिए ऐसा नहीं, मेरा कोई इतना, मैं फिर भी बहुत एंटीक बात नहीं हो गई मेरी, मैं जब ग्रेजुएशन किया तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बन चुका था और मुझे चुना भी गया था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, फिर नहीं गया मैं। जो कभी कभी महसूस करता हूँ काश गया होता, शायद थोड़ा पढ़ लिख गया होता और अच्छे प्लेस और पढ़े हुए होते जो बाद में पढ़े, मगर वहाँ शायद मुझे लगता। मगर वही मैंने थिएटर नौकरी कर ली वहाँ यात्रिक में, बैक स्टेज पे प्रैक्टिकल मुझे ट्रेनिंग हो गई। कोई मैंडेटरी नहीं है मगर आपको हेल्प तो कर सकता है ना, आपके अंदर दिए में तेल होगा तो कोई दूसरा दिया उसको जला सकता है, तो अंदर तो होना चाहिए ना तेल। तो ये चीज़ें इंस्पायर कर सकती हैं आपको, ABC तो नहीं करके पूरा खड़ा कर देंगे या चलते फिरते एक्टर बना देंगे या चलते फिरते कोई एप्टीट्यूड तो होना चाहिए। टीवी सीरियल मैंने तीन किए तीन जो, मगर शन्नू शादी आई एंजॉयड, बहुत मज़ा आया था। करेक्टर किस अलग किस्म का, वो कोई जुड़ा हुआ जिंदगी वैसे नहीं, थोड़ी अजीब सी एक ब्रीजी कॉमेडी थी, तो अच्छा करने वाले लोग, डायरेक्टर भी बहुत, सब तरीका अच्छा था, वर्किंग का ढंग भी अच्छा था, पेमेंट अच्छी थी। मैं अब जेपी दत्ता के साथ कितनी है? उसकी 6 या 7 फिल्में की होंगी, राजकुमार संतोषी की 4-6 की होंगी,
ऐसा तो अगर कहा जाए, मैं मुझे पता नहीं डायरेक्टर स्टिक हो जाते थे, चिपक जाते थे सारे। अवार्ड मुझे आज तक नहीं मिला, सब जगह नॉमिनेट ही होता रहा। राज जी को क्या अवार्ड की जरूरत थी? राज जैसी आदमी का, जो आदमी, मैं एक बार हिचहाइक कर रहा था यूरोप में, जमीन लगाए पैदल घूम रहे इधर उधर, तो बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के, तो वहाँ बैठा हुआ आदमी पासपोर्ट पर पहले मेरा जूता है जापानी पूरा गाना गा दिया। मैंने कहा अच्छा, इंडिया देख के, ये तो राजकपूर।